नमस्कार मैं योगाचार्य चारू नेगी क्रिस्टा आईवीएफ की तरफ से आईवीएफ ट्रीटमेंट को योग के द्वारा कैसे सक्सेस किया जा सकता है इसके ऊपर कुछ टिप्स देने वाली हूँ अब मैं आपको आसनों की उन सीरीज की तरफ लेके जाना चाहूँगी जो मेल और फीमेल के लिए स्पेशली बनाई गई हैं मेल और फीमेल के लिए शरीर की बनावट अलग अलग होती है जिसकी वजह से उनके कुछ आसनों को अलग कर दिया गया है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम मेंस में इसलिए आता है क्योंकि उनका एक लो स्पम काउंट है एक जो मेन बेसिक कारण है दूसरा उनका जो क्रॉनिक कोई डिजीज अगर उनको हो रही है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन उनको है तो अनिमिया का प्रॉब्लम है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज की वजह से उनको इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है दूसरा है उनकी ब्लॉकेजेस उनकी अगर नर्व सप्लाई अच्छी नहीं है तो उनकी ब्लॉकेजेस आ जाती है एबनॉर्मल स्पर्म फंक्शन भी एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी को फ़ेस करना पड़ता है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ये एक मेन कारण होता है क्योंकि उनके खाने पीने का कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट लो हो जाता है जिसकी वजह से मेल्स को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो किस प्रकार आप योग द्वारा आई ट्रीटमेंट में अपनी ट्रीटमेंट को सक्सेस कर सकते हैं ये मैं आपको कुछ आसनों के द्वारा बताने जा रही हूँ पुरुषों के लिए जो मैं पहला अभ्यास कराने जा रही हूँ वो है सूर्य नमस्कार का में खड़े हो जाएंगे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और प्रणाम आसन में दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास मिला लें अपने थम को अपने चेस्ट पे लगाते हुए सामने देखें ये पहला स्टेप है वन प्रणाम आसना टू हस्तोत्तान थ्री श्वास छोड़ते हुए पादस्थासन में आएंगे फोर राइट लेग बैक करते हुए अश्व संचालना श्वास पर श्वास करते जाएं पर्वत आसन में आएंगे पूरा एक्सेल एडियों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे नमस्कार नी डाउन चेस्ट डाउन एंड चिन डाउन श्वास पर श्वास करते श्वास भरते हुए भुजंगासन आसन में आए पर्वतासन में जाएंगे राइट लेग फ्रंट वापस आएंगे जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा अशो संचालना लेफ्ट लेग फ्रंट पादस्ता श्वास भरते हुए हस्तोतान श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसना अब जो आपको मैं अभ्यास कराने जा रही हूँ वो है अग्निशार क्रिया अग्निशार क्रिया को करने के लिए दोनों पैरों को शोल्डर लेवल खोल देंगे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बेंड करेंगे दोनों हाथों को नीचे ऊपर रखते हुए पूरा श्वास बाहर और पेट को अंदर ले जाके श्वास की पंपिंग करेंगे अनुसार करने के बाद पूरा श्वास बाहर लंबा घेरा श्वास भरेंगे और छोडेंगे। अब जो मैं तीसरा अभ्यास बताने जा रही हूँ वो है बंधों का अभ्यास तीन बंध योग में बताए गए हैं पहला है जालंधर बंध, दूसरा है उड़ियान बंध और तीसरा है मूल बंध। जब इन तीन बंधों का हम एक साथ उपयोग करते हैं वो महाबंध कहलाता है तो जिस प्रकार बांध जिस एरिया में होता है उस एरिया को वह प्रोटेक्ट करता है उसी प्रकार बंध हमारे शरीर में जहाँ पे लगते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं पहला है जालंधर बंध जालंधर बंध को हम थोड़ी सी चिन को लगा के अपनी चेस्ट से लगाते हैं जिससे हमारा चेस तक का एरिया कवर हो जाता है प्रोटेक्ट हो जाता है दूसरा है उडियान बंध जो हम पेट को श्वास छोड़ते हुए मैक्सिमम अंदर लेके जाते हैं अपने स्टमक को अपने स्पाइन से टच करने का प्रयास करते हैं तीसरा है आपका मूलबंद आपके एन एस पार्ट को अपने एनएस पार्ट को टाइट करके आप मूलबंद का अभ्यास करते हैं जब तीनों बंदों का एक साथ अभ्यास करते हैं तो महाबंध लगता है तो पहला अभ्यास अब हम करेंगे फिर दूसरा अभ्यास और तीसरा अभ्यास तीनों अभ्यासों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे चलिए शोल्डर लेवल दोनों पैरों को खोलेंगे श्वास पड़ते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएं श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर रख दें, जालंधर बंद लगाएंगे उड़ियान बंद और मूल बंद धीरे धीरे जालंधर बंद को खोलेंगे उड़ियान बंद को छोड़ेंगे और मूल बंद को छोड़ते हुए आराम से वापस आए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे अब मैं आपको सेतुबंध आसन का अभ्यास कराने जा रही हूं उसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास ले आएंगे और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लें श्वास भरते हुए अपने कमर को धीरे धीरे उठाएं और पोजीशन को होल्ड करके रखें कुछ देर रुके रहे धीरे धीरे आराम से वापस दोनों पैरों को सीधा कर लें। आराम से वापस आ जाएं। यह अभ्यास आपके पैल्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है इनफर्टिलिटी में आपके पैल्विक रीजन में या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अच्छा असर डालता है अगला अभ्यास है धनुरासन का आराम से पेट के बल लेट दोनों हाथों से अपनी एंकल को पकड़ लेंगे चिन्ह को जमीन पे रखते हुए श्वास भरते हुए उठाएं अपनी बॉडी को शरीर को पूरा तान कर रखें श्वास प्रश्वास करते जाएं, अपने नेवल रीज़न पर वाइब्रेशन को फील करें खिंचाव को ढीला छोड़ें, आराम से पैर वापस डाउन एंड रिलैक्स आराम से वापस आएंगे महिलाओं में इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण होते हैं जैसे कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है उन पर पोलिसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं उनकी ओवरी में सिस्ट होता है और उनकी फैलोपिन ट्यूब जो होती है वो बंद हो जाती है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है मासिक धर्म की अनियमितता भी इसका एक मेन कारण होती है जिसकी वजह से जब हमें जब हमारा शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है तो महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ योगाभ्यास ऐसे बताए गए हैं जिनका अभ्यास इनफर्टिलिटी के टाइम पे बिफोर आई ट्रीटमेंट से पहले उनको यह अभ्यास करना है तो इसमें आपका पहला अभ्यास है चक्की चालान दोनों पैरों को स्प्रेड करते हुए खोल देंगे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे पहले स्वास भरेंगे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की ग्रिपिंग करते हुए पैरों के बाहर से अपनी स्पाइन को पूरा रोटेट करेंगे और कंटिन्यू रोटेशन करते चले जाएंगे यहीं से एंटी क्लॉकवाइज भी इसी रोटेशन को करेंगे मैक्सिमम फॉरवर्ड जाएंगे श्वास भरते हुए जाएं श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते चले जाएंगे आराम से 10-10 बार इसका अभ्यास करने से आपके पैल्विक रीजन पे पूरा प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा यहीं से आप आ जाएंगे बद्ध कोनासन में दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं हाथों को इंटरलॉक करते हुए स्पाइन स्ट्रेट थाइस को जमीन से लगा लें आंखें बंद श्वास प्रसाद करते जाएं और पोजीशन को होल्ड रखेंगे धीरे से आंखों को खोलें आराम से यहीं से अगला अभ्यास अब हम करेंगे जानू सिरासन का दोनों पैरों को आराम से खोलते हुए लेफ्ट लेग को फोल्ड करें अपने जेनिटल ऑर्गन पे लगाएंगे श्वास फिरते हुए लेके जाएं दोनों हाथों को ऊपर श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजों को पकड़ लें और अपनी नोज से नी को टच करेंगे श्वास फिरते हुए आराम से वापस दूसरे पैर से भी कर जाएं लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे राइट right लेग को जेंटर ऑर्गन पे लगाएं, श्वास फिरते हुए दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों को पकड़ें, आराम से नोज को नीचे टच करें श्वास फिरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आए आराम से सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं, लंबा गहरा श्वास फरे और श्वास छोड़े अगला अभ्यास है आपका बटरफ्लाई बटरफ्लाई के लिए अपने दोनों पैरों के तलवों को मिला लें दोनों हाथों से अपने तलवों को पकड़कर कंटिन्यू अपनी थाई को अप डाउन करेंगे और अपनी पैल्विक मसल पर पूरा ध्यान लगाते हुए आंखों को बंद कर लें और अपनी स्ट्रेचिंग को फील करते रहें धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएं और आराम से गति को धीमा करते हुए आंखों को खोल दे अब मैं अगला अभ्यास बताने जा रही हूँ पश्चिमोत्तानासन का दोनों पैरों को सामने खोल के रखेंगे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे श्वास भरेंगे श्वास छोड़ेंगे एक बार और स्वास भरे श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजों को पकड़ लें और सामने देखें इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव धीरे धीरे अपने एंकल को पकड़ लें और अपनी नोज को अपनी नी से लगाने का प्रयास करेंगे लंबा गहरा श्वास भरेंगे श्वास छोड़ते हुए डाउन कुछ देर रुकने के पश्चात आराम से वापस आएंगे दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे यह अभ्यास आपके पैल्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके एब्डोमिनल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है क्योंकि यह सारे अंग आपके एब्डोमिनल में ही रहते हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा होता है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है पश्चिमोतानासन का